नमस्कार आदाब दोस्तों। दोस्तों पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले एक और नया बवाल शुरू हो गया है। आप सभी जानते होंगे कि नंदीग्राम के बाद भवानीपुर सीट पर उपचुनाव होने वाला है और इस उपचुनाव में टीएमसी वर्सेस बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस पार्टी तो पहले ही अपने कैंडिडेट को न उतारने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन बीजेपी ने अपनी कैंडिडेट प्रियंका टिबरेवाल को मैदान में ममता बनर्जी के अगेंस्ट उतार दिया है। लेकिन भवानीपुर सीट पर होने वाली वोटिंग से पहले ही एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसको लेकर के अब सवाल पैदा हो गया है, क्या नंदीग्राम जैसा हाल यहां पर भी होगा? और इसको लेकर के जो ताजा अपडेट सामने आ रही वो चौंकाने वाली है। हम आगे आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है कि भवानीपुर सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव जीत सकती है, टीएमसी या बीजेपी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना प्रेडिक्शन जरूर शेयर करिए। आप सभी जानते होंगे वैसे ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट जीतना बहुत जरूरी है और जो चुनावी विशेषज्ञ हैं वो तो कह ही रहे हैं कि ममता बनर्जी बहुत आराम से यहां पर जो है चुनाव जीत जाएंगी। लेकिन उससे पहले बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी और टीएमसी के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बीजेपी की जो कैंडिडेट प्रियंका टिबरेवाल है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो उपचुनाव है ये जो है पारदर्शिता के साथ नहीं कराए जाएंगे, यानी कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ी कराई जाएगी। और ये सीधे तौर पर टीएमसी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है, यानी कि बीजेपी की जो कैंडिडेट है उनको चुनाव की वोटिंग से पहले ही, रिजल्ट से पहले ही हार का डर सताने लगा है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी हिंसा का समर्थन करती हैं, इसलिए चुनाव की जो पारदर्शिता है उस पर अब कहीं ना कहीं एक तरह से नया विवाद खड़ा हो चुका है। उन्होंने साफ कहा है कि स्पष्ट चुनाव भवानीपुर सीट में भी होना बहुत मुश्किल है, कुछ ना कुछ यहां पर भी ड्रामा किया जाएगा, कुछ ना कुछ हिंसा की जाएगी जिससे ममता बनर्जी चुनाव जीत सकें। ये आरोप उन्होंने सीधे तौर पर जो है यानी ममता बनर्जी के ऊपर लगाया है। अब देखना यह होगा इस पर टीएमसी कैसे रिएक्ट करती है। आप इस पर क्या सोचते हैं नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।